हम निकलते हैं तो ट्रैफिक क्यों होता है? अब बात बहुत अच्छे लग रहे हैं, जाओ खाते जाओ। सामने वाली दुकान पे ने समोसे रखे हैं। अरे तो वही है हमारी बचपन की यादें। मैं तेल गिफ्ट लाई हूँ आंखें बंद कर। डाइट वाइट जाए भाड़ में। छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग कुछ इस प्रकार है। आज है कौन सा डे? आज मंडे। मंडे पागल है क्या? ट्यूसडे को खुद को नहीं पता मंडे के पता था। चल रहे थे, कल जी को स्कूल गया, आज वो छुट्टी कर रहा है, तो आज ट्यूसडे हुआ ना। तो आज गाइस है मंगलवार, है चूहे को बुखार। चूहे को बुखार तो बोलते यार, बोलती नहीं थी। आज है मंगलवार, चूहे को बुखार, चल मेरे यार तू भी चल। चल तुझे तो कुछ भी नहीं आता बोलो ना, तुझे राइम्स आती है ना, तुझे गाने आते हैं, तुझे क्या आता है, क्या टैलेंट तेरे अंदर बता। हाँ ये टैलेंट इसके अंदर पूरा है। पायल ये वाला जो फ्रेम है ना, मैं इसको संभाल के रख देती हूँ। हम जब न्यू घर लेंगे ना, ये वाली फोटो लेके आई थी साथ में ना। हाँ ठीक है, क्योंकि ये वाला फ्रेम भी खराब हो गया। अच्छा वहाँ पे भी पड़ा हूँ मैं, दिल्ली वाले घर में भी फ्रेम पड़ा है ना, तुमने जो बनवाया था ऐसे क्लॉक वाला। क्लॉक है वो तो। हाँ सब लगवाएंगे। शीशा नहीं लगाऊंगा इस वाले फ्रेम का। मैं बोला रेश भैया को रोज बोलती हूँ मैं, उसने लगवाया नहीं, खराब हो जाएगी वो, पता है हाथ की पेंटिंग है, खराब हो जाएगी दूध वाला। चीकू गुड मॉर्निंग, लव यू करो, आओ जरा पुची करो। व्हाई यू नॉट गोइंग टू स्कूल? पुची करो। व्हाई यू नॉट गोइंग टू स्कूल बेटा? गोलू को, गोलू के सिखाने के बाद भी चीकू नहीं बोल पाया। नहीं एक्चुअली क्या है, चीकू का मन कर रहा है कि आज मैं खेलूं घर पे और थोड़ा आराम करूं। होता है इसके पापा बोलते हैं कभी कभी छुट्टी मांगता है, एक हफ्ते में एक बार, तो हम इसको ग्रांट कर देते हैं। तो आज हम जिम जाने से पहले चाय पी रहे हैं क्योंकि इनका हेडेक हो रहा है, तो चाय बहुत जरूरी है। तो पायल बोल रही है कि हम लोग जाएंगे जिम, ये शाम को जाएंगे जिम, तो आज हम तो कहीं चलते घूमने। चले घूमने? तू और मैं। हाँ मैं और पायल जा रहे हैं, सही बोला चीकू। पायल मम्मा और मैं जा रहे घूमी घूमी चलने। हाँ जी नो, इन द मॉर्निंग यू ऑलवेज ईट फ्रूट्स वाटर च्युइंग गम। नो यहाँ पे कार्ड वगैरह रखे जाते हैं, आरसी कार्ड सब कुछ रख सकते हैं, और ये यहाँ से बंद हो जाएगा। अच्छा लगा खबर आपको? सेम, इसी में पर्स, इसी में सब कुछ आ जाएगा। सही लगा? अच्छा आपने जो ब्राउन वाला मंगाया था वो तो नहीं आया ना? पायल ये कवर मैंने तब मंगवाया था, मूवी नहीं देख रहे थे मंदिर तब मंगवाया था, वो जो पहले कवर मंगवाया था इसके 2500, तो 2500 चले गए, कवर नहीं आया। तो हमारा चाय नाश्ता सबका हो चुका है और सुबह के बज गए हैं 11। हम लोग जा रहे हैं अभी साइट पे जहाँ पे हमारा सैलून ओपन होने के लिए, मतलब रेडी होने के लिए जगह है, वहाँ जा रहे हैं। वहाँ कुछ अभी कंफर्म करके आना है, क्या डिजाइन बनाना है, क्या बनाना है क्या नहीं, तो अरमान के साथ जा रहे हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अपने सैलून की जगह पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अरमान जी है, कृतिका है और रीत है, पीछे इंटीरियर डिजाइनर है, आर्किटेक्ट पीछे आए हैं, पूरा एरिया पूरा यूटिलाइज कहाँ कैसे करना है वो देख रहे हैं, फिर वो हम एक नक्शा बना के देंगे, एक डिज़ाइन बना के देंगे, वो हम फाइनलाइज करेंगे कि हमें कैसा चाहिए। तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर, और हमारे ये सैलून के पास आपको खाने पीने की हर एक चीज़ मिलेगी। अगर आप कुछ भी काम कराने आते हो सैलून में तो आपको कैफे भी मिलेगा, बीकानेर भी मिलेगा, मतलब खाने पीने की, और आप घर के बर्तन भी ले सकते हो, और अगर घर का कोई सामान लेना हो तो आपको ये शॉप भी मिलेगी, यहाँ सब कुछ मिलेगा। देखो ये है बीकानेर वाला, और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, ये एरिया पूरा खुला है, आपको पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको ये एरिया मेन रोड पे मिलेगा, मतलब कि जो सामने सबवे है, सबवे के सामने वाली बिल्डिंग। हाँ सबवे और ये ऑरेंज जिम एंड स्पा बिल्कुल इसके सामने, और रिलायंस डिजिटल भी है इसके सामने, सब कुछ इसके सामने ही है। और सबसे अच्छी बात ये है कि पार्किंग बहुत खुली है, तो कोई भी दिक्कत नहीं कि गाड़ी की, अगर आप आते हो बहुत सारे लोग तो यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि पार्किंग की नो प्रॉब्लम। मैं और गोलू जा रहे हैं आज कहीं घूमने, और हमारे साथ जाएगी रीत भी घूमने, क्योंकि घर बैठे बैठे बहुत ज्यादा बोर हो गए हम लोग, काफी टाइम हो गया हम लोग कहीं भी घूमने गए, आज सिर्फ गर्ल्स गैंग जाएगी घूमने। एक छोटी मीटिंग भी है, मैं सोच रही हूँ भी अटेंड कर लेती हूँ पायल के साथ, तो मीटिंग करके हम लोग आएंगे दोपहर तक। तो मैं और पायल रेडी हो गए हैं और जा रहे हैं अभी बाहर घूमने के लिए, तो साथ में हमारे साथ जा रही है रीत भी जो नीचे वेट कर रही है। मतलब हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम अपने बाल ड्राई कर पाए, क्योंकि रीत का फोन आ गया था, वो सोसाइटी के नीचे खड़ी है, तो कोई बात नहीं, वैसे भी गर्मियों का टाइम है, बाल अपने आप सूख जाएंगे। तो हम लोग निकल चुके हैं, गर्ल्स गैंग घूमने निकली है आज, देखते हैं कहाँ घूमने जाएंगे। तो रीत आ चुकी है, गोलू इधर बैठी है, हमारे साथ जा रहे हैं यश भैया, क्योंकि एक गर्ल्स के साथ एक बॉयज भी बहुत जरूरी होता है हमारी सेफ्टी के लिए। तो जब निकलते ही ट्रैफिक मिल जाता है ना, तो थोड़ा मूड हो जाता है कि यार जब हम निकलते हैं तो ट्रैफिक क्यों होता है। मैं तेल गिफ्ट लाई हूँ आंखें बंद कर, हाथ आगे कर, सुन कर बता क्या है। बूमर
कैसा लगा? रात को तो चीकू को भी दी थी ना, अब एक ही थी ना, मेरे को लगा कि मैं खाऊंगी, मैंने सोचा मैं तो चॉकलेट भी खा लेती हूँ, सब कुछ खा लेती हूँ, बट पायल नहीं खाती चॉकलेट। चला आदि आदि खा लेंगे। नहीं नहीं तू खा। नहीं नहीं आदि तीनों खा लेते हैं, आदि नहीं नहीं। तो हम लोग ड्रायर करके नहीं आए थे घर से, लेकिन अभी गर्मी इतनी हो चुकी है कि बाल ड्राई अपने आप हो गए, है ना गोलू? हाँ मेरे हो गए। हाँ मेरे तो छोटे वाले जल्दी जाते हैं। मेरे भी छोटे रे जितने वाले अब तो। एक तो हम लोग घर से निकलते नहीं, और कभी कभी निकलते हैं तो इतना ट्रैफिक मिलता है रास्ते में कि बस मूड ही ऑफ हो जाता है, लगता है घर चलो वापस। या पायल मुझे तो भूख लग रही है। तुझे बोलू भूख कब नहीं लगती है बता? ऐसा कौन सा दिन है तुझे भूख नहीं लगती? तो यार इंसान बना किसके लिए, खाने के लिए। तो जहाँ जाना है पहले वहाँ तो पहुँच ले, पहले रास्ते में रोक लूँ पहले। तो अभी हम निकले हैं तो रीत को अच्छी जगह पे लंच करेंगे, क्या बोलते हो आप? बताना कहाँ लंच करें, हमें थोड़ा कमी नॉलेज है। सारी जगह है खाने के लिए, बहुत अच्छी अच्छी जगह बनी है। चलो ठीक है गाइस, तो आज आपको दिखाएंगे जबरदस्त सा लंच बाय थ्री गर्ल्स। तो मैं और पायल पहुंच गए अपनी पहली लोकेशन पे। तो यहाँ पे मुझे पायल को और रीत को जो हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा है उसके लिए छोटी सी मीटिंग है, तो मीटिंग अटेंड करने के बाद आप लोगों से मिलते हैं, हम जबरदस्त लंच पे जाएंगे। तो कैमरा रख रही हूँ मैं गाड़ी के अंदर। तो मेरी पायल की और रीत की मीटिंग हो गई, तो हमें अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 minutes लगे। कुछ डिजाइन थे जो हमें सिलेक्ट करने थे तो वो काम हो गया है। तो अभी हम तीनों जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, कुछ कॉफी पीने के लिए, क्योंकि भूख बहुत तेज लग रही है। तो देखते हैं कुछ अच्छा सा कैफे मिल जाए या कुछ अच्छी सी जगह मिल जाए जहाँ पे हम लोग बैठ के कॉफी पी सके। तो हमारा जो मूड है बाहर खाने का वो चेंज हो गया है, तो अभी हम बाहर नहीं जा रहे, किसी कैफे में नहीं जा रहे, क्योंकि घर पे खाना बना हुआ है। तो अभी हम घर जाके एक जगह पे जाने वाले, वो आप लोगों के लिए भी सरप्राइज रहेगा कि हम कहाँ जाएंगे। तो बस हम सीधा घर जाएंगे। वहाँ जाने के लिए पहले हमें कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि हम जिस ड्रेसिंग सेंस में है वहाँ उस ड्रेसिंग सेंस में नहीं जा सकते हैं। तो पहले घर जाके चेंज करेंगे, चीकू को लेंगे और फिर हम लोग लेंगे उस जगह के लिए। आपके लिए ये एक सरप्राइज है। तो हमेशा चीकू के पापा मुझे और पायल को बोलते रहते हैं कि कहीं ना कहीं घूमा करो, कहीं ना कहीं घूमा करो। तो हमने यही सोचा है कि आज हम जाएंगे किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे अभी तक हम नहीं गए और जाके बहुत ही अच्छा लगेगा, दिल को शांति मिलेगी। तो बस मंजिल और वहाँ की एक चीज बहुत ही ज्यादा स्पेशल होती है, जो कि आपको कहीं नहीं मिल सकती पूरी दुनिया में, वहाँ के अलावा आपको कहीं नहीं मिल सकती। और उसकी मतलब क्रेविंग अभी से हो रही है कि बस चेंज भी ना करना पड़ता अगर हमें अच्छे कपड़े। एक्चुअली क्या है कि हमें पता नहीं था कि हम जहाँ जाएं, मतलब हमारा जो प्लान बनेगा सडन, तो मैंने भी जीन्स पहनी थी, रिप जीन्स पहनी थी, साथ में हमने क्रॉप टॉप और जैकेट पहना हुआ है, तो अच्छा ड्रेसअप नहीं था ये जहाँ जा रहे थे। तो फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं, और बहुत ही मतलब कि ट्रैफिक था, पर ट्रैफिक से झूल कर बाल देखो, हमने आज बाल धोए थे दोनों ने, हेड एंड शोल्डर से धोया क्योंकि चिकू के पापा सो रहे थे दूसरे रूम में, तो वहां हमने शावर नहीं लिया, दूसरे रूम में शावर लिया, और बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मतलब नितिन भैया के शैम्पू से हमने धोया, तो नितिन भैया के बाल इसलिए इतने घने हैं क्योंकि वो धोते हैं हेड एंड शोल्डर से। तो हमने किसी को बताया नहीं, सिर्फ आपको बता के जा रहे हैं। हम मेरे पीछे पीछे कहाँ घूम रहे हो? क्या चाहिए आप? चलो आप एक काम करो। तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं गुरुद्वारा साहिब, नाड़ा साहिब ना, नाड़ा साहिब जा रहे हैं, जहाँ की हम पहली बार जा रहे हैं। तो हमने अपने कपड़े इसीलिए चेंज करे घर आके, क्योंकि हम वहाँ उस ड्रेस में नहीं जा सकते थे, और हमारे साथ शुभी भी जा रही है, रेंट भी हो गया था, बताती हूँ। तो फाइनली रीत भी आ चुकी है। रीत हम कहाँ जा रहे हैं? हम आज जा रहे हैं नाड़ा साहिब गुरुद्वारा साहिब, जो कि पंचकुला में है, जहाँ पे हम तीनों कभी नहीं गए हैं, मैं, शुभी और गोलू, और जो रीत है वो जाती रहती है अक्सर, तो वो हमें लेके जा रही है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, आज हम चारों लड़कियां निकले हैं घूमने के लिए और दर्शन करने के लिए, और बहुत शांति मिलेगी। और वहाँ का कड़ा प्रसाद जो कि मतलब कहीं नहीं मिलता है, मतलब बस गुरुद्वारे में आपको मिलेगा वो टेस्ट। आज मैं बहुत सारा जम के खाने वाली हूँ, डाइट वाइट जाए भाड़ में, है गोलू? कोई बात नहीं, सही में देखो जो कड़ा प्रसाद है ना, वो तो ऐसी चीज है कि आप चाह के भी ना आपका मन करता है बस आप खाते जाओ। पहले क्या होता था कि मैं वहाँ जाती थी बंगला साहिब गुरुद्वारे जब मैं जाती थी ना, तो वहाँ पे प्रसाद के रूप में जो मिलता था, जैसे आप 51 रुपए का लो, 101 का लो, तो मैं डबल ले लेती थी, एक चढ़ाने के लिए और एक खाने के लिए अलग। तो गाइस इस रोड पे जाने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि ये रोड बिल्कुल खुला खुला है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। घर से मेरे हिसाब से 20 किलोमीटर है ये, और हम भैया आधा रास्ता पहुंच गए ना, हम पहुंचने वाले हैं मतलब 10 या 12 मिनट में हम पहुंच गए, 10-12 मिनट में 20 किलोमीटर आ गए हैं। एक और बात,
मैंने और पाल ने आज मास्क भी पहने मैचिंग मैचिंग, क्योंकि ये कुर्ती का सेट, कुर्ती के सेट के साथ ही आया है मास्क दोनों का। गोलू सामने वाली दुकान पे ना समोसे रखे हैं, मेरे को दिख रहे हैं। मोरनी भी इधर से जाते हैं और यहीं पे है गुरुद्वारा साहिब। तो फाइनली हम सब पहुंच गए हैं नाडा साहिब। तो फाइनली हमारी गाड़ी पार्क हो गई है और अभी हम चल रहे हैं गुरुद्वारे की तरफ। और बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मौसम है, धूप पानी चल रही है। सतनाम वाहे गुरु, वाहे गुरु कह, वाहे गुरु, वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु। तो हम लोग गुरुद्वारे साहब आए थे, हमारे साथ चीकू नहीं आया है, तो हमने सोचा है कि उसके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके चलते हैं। तो यहाँ पे टॉय शॉप भी है और कड़ा भी है। बोलो ये ले लेते हो, थोड़ी डिफरेंट क्यूब है, ठीक है, क्योंकि कड़ा तो उसके साइज का मिल ही नहीं रहा, तो क्यूब ले लेती हूँ। फाइनली हमने चीकू के लिए कड़ा ले लिया है, गोल्ड वाला कड़ा है और साथ में क्यूब ली है। क्यूब नहीं, बॉल है, ऊपर तक, हाँ ये बॉल है जो ऊपर तक बड़ी हो जाएगी। दो चीजें ली है तो घर जाके देखेंगे चीकू को अच्छी लगेगी नहीं। रेट बचपन में स्कूल के बाहर मिलते थे ना, बहुत टेस्टी होते थे। तो फाइनली हम लोग गाड़ी में बैठ गए। रीत आपने जो लिया अपनी बचपन क्या दिखाई क्या? नहीं पायल के वो वाले नहीं है, वो और तरह के होते थे, थोड़े बड़े होते थे। वो थोड़े मोटे होते थे ना, अंदर से सूखे पड़े हैं तो और है ही नहीं कुछ, इनके अंदर खाली है, ये खाली गुटली गुटली है। तो गाइस इनका पोपट हो गया, ये वहाँ पे ना बड़ा शोर मचा रहे दोनों। यार ये तो वही है हमारी बचपन की यादें, ये तो वही है, मैंने नहीं खाया देखो। तो फाइनली रीत का घर आ गया, तो रीत प्रसाद ले रही है। हाँ जी चलो, चलो रीत बाय बाय, हम मिलते हैं। नहीं घर पे आ जाओ, क्या आप तो थक गए, आप तो सोएंगे घर जाके। अब चलो बाय बाय। तो घर जाने से पहले मैं सोच रही हूँ कि एक बार एक काम करती हूँ, 24/7 भी चली जाऊँ, क्योंकि चीकू के पापा की जो प्रोटीन बार है बिल्कुल खत्म हो गई है, वो किसी भी टाइम मांग सकते हैं प्रोटीन बार। गाड़ी का जो डीजल है वो हमारे घर के बिल्कुल पास में खत्म हुआ है, वरना हम लोगों को धक्का मार के आना पड़ता। तो मैं और पायल घर आ गए थे, हमने चाय पी ली और चीकू के पापा जस्ट अभी उठे हैं, चीकू ट्यूशन गया है, चीकू के पापा पी रहे हैं कॉफी। तो चीकू के पापा यहाँ पे पी रहे हैं कॉफी और जस्ट अभी उठे हैं, तो इन्होंने आज पूरा दिन रेस्ट करा है। मैं और पायल आज फुल बाहर घूमे, क्योंकि सुबह 8 बजे से उठे हुए थे, इनको 10 बजे जाना था, साइट पे जाना था ना, साइट पे आज वो क्या कहते हैं उनको जो आते हैं इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्ट आने वाले थे, इसलिए सुबह सुबह जाना पड़ा। तो अभी बज गए हैं शाम के 6, चीकू के पापा गए हैं जिम, मैं और पायल नहीं गए जिम क्योंकि हम दोनों आज सुबह से बाहर थे, बहुत थक गए हैं, पैरों में हो रहा था दर्द कल जिम की वजह से, तो बिल्कुल मन नहीं किया जिम जाने का। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अभी फैमिली फिटनेस पे हमारे जो डेली ब्लॉग्स हैं वो आने बंद हो जाएंगे, और हमारे जो डेली ब्लॉग्स आएंगे वो हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस चैनल पे आएंगे। तो जल्दी से उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट जितने भी ब्लॉग्स होंगे आपको वहीं मिलेंगे, क्योंकि हाँ हम कोई बढ़िया सा कॉन्सेप्ट लेके आने वाले, जैसे वेब सीरीज वगैरह, गाना वगैरह, तो वो सब आएगा फैमिली फिटनेस पे। और हमारे ब्लॉग्स, डेली रूटीन ब्लॉग्स देखने के लिए आपको हमारा दूसरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा जो कि डिस्क्रिप्शन में है। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय गाइस।